Can anybody out there hear me? Welcome back guys, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र, और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था ये जो मंदिर बनवाया है, मंदिर किस व्यक्ति ने बनवाया है उससे मैं आपको मिलवाऊंगा। और वो मंदिर है मेरे अपने दादाजी हैं, जिन्होंने 90 साल की उम्र में, लगभग 90 साल की उम्र हो चुकी है, और इतना खूबसूरत मंदिर बनवाया है। वो खुद आर्मी से रिटायर हैं, तो मैं आज उनसे आपको मिलवाऊंगा। तो ये हैं मेरे दादाजी। तो दादाजी आप एक बात बताइए कि आपने आर्मी कब ज्वाइन की थी? आर्मी से आए, हाँ, सन 86 में आपको रिटायरमेंट हुए थे। हाँ। और आप आर्मी में लगे कब थे? 62 में लगे थे। तो 62 के बाद जैसे जो जो लड़ाई लड़ी हमारे देश ने, उसमें आपने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है? अब लड़ाई छोड़ो, लड़ाई तो होते ही रहते। अच्छा अच्छा, तो फिर भी कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, कुछ बताएंगे आप? बताओ। लड़ाई जब 65 में चली गई थी, 71 में, सन 71 में। अच्छा अच्छा, 65 में भी गई। तो वहाँ पे जो लड़ाई होती थी, तो वहाँ पे जब गोलियाँ चलती थी, तो गोलियाँ कैसे चलती थी? पहले फायरिंग आप लोग करते थे या उधर वाले करते थे? अरे गोलियाँ तो जब दुश्मन को जोड़ो सब चलती, ऐसे हदम छोड़ो चलती रहती थी। अच्छा अच्छा। और जैसे कि आपने बताया था कि 71 की लड़ाई आपने लड़ी थी, कि 65 की लड़ी थी, जिसमें आप बता रहे थे कि वो ऊपर से पत्थर फेंकते थे। कश्मीर में भाई। अच्छा, कश्मीर में लड़ाई हुई थी, कौन से सन की बात है? जे अबे अभी तब तो हम चले आए इसी के बाद भाई। अच्छा अच्छा, और जब आप थे तब कौन कौन सी लड़ाई हुई थी? गोली से चलती ही रहती थी। अच्छा अच्छा। गोली से चलती ही रहती थी। तो गाइज ये बात थी अभी आर्मी की, अब जो बात है वो बताएंगे इस मंदिर की। तो बाबा एक बात बताइए, मंदिर आपने बनवाया है, तो मंदिर बनवाने के पीछे विचार क्या था आपका? मंदिर क्यों बनवाया, आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे मंदिर बनवाना चाहिए? तो हमारी खुशी है थी। अच्छा, खुशी थी आपकी। ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बात है कि उन्होंने 90 साल की उम्र में इतना खूबसूरत मंदिर बनाया है। और जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से इसका सेम छोर है, ये चारों तरफ से एक जैसा दिखता है। तो आगे चल के हमें भी मोटिवेशन लेना चाहिए, और इन बातों को अपने दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उनको प्रेरणादायक मिले। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।